नमस्कार, न्यूज़ 1:11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना के इको पार्क परिसर में परिवेश वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा किया गया। तीनों केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन इको पार्क परिसर में हुआ। आपको बता दें कि पूरे पटना में अब तक 3 वायु गुणवत्ता प्रबोधन है, पहला तारामंडल, दूसरा वेटनरी कॉलेज और तीसरा अब इको पार्क में। सुनिए क्या कुछ उप मुख्यमंत्री ने परिवेश वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र की स्थापना को लेकर कहा। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, समुद्र का तल बढ़ता जाना, नदियों के अंदर, यानी पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया परेशान है कि ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो संकट पैदा हो रहा है, इसका कैसे मुकाबला किया जाए। इसमें एयर क्वालिटी उसका एक छोटा हिस्सा है। ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने में वायु की गुणवत्ता उसका एक हिस्सा है। जो पानी आप पीते हैं वो भी प्रदूषित है। कोई आदमी की हिम्मत नहीं होगी गंगा जल को जाकर आचमन कर सके। मशीन आई है, आज भी गांव का गरीब आदमी या पटना का गरीब आदमी वो तो वही नल का पानी पीता है। नल के पानी की क्वालिटी, इसलिए केवल वायु प्रदूषित नहीं, जल प्रदूषित है। गंगा नदी प्रदूषित हो गई, सारे शहर के नाले गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। मैं परसों कानपुर में था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और कानपुर शहर में 125 साल पुराना नाला, करीब 1 करोड़ लीटर गंदा पानी प्रतिदिन जिस नाले में प्रवाहित होता था, नमामि गंगे के तहत उस नाले को बंद कर दिया गया। और हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ कानपुर में गंगा नदी में मोटर बोटिंग किया और पानी पीने योग्य हो गया कानपुर के अंदर। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। News 1:11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।